तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीति विलेज। ये है हमारे सामने, क्या बताया, ये जया जयदीप डांगला, जयदीप डांगला प्यार से इसको जया। तेरा नाम क्या है? दिशांत रावत। अब तेरे को क्या बोलते हैं, दिशांत ही बोलते हैं। तो ये दिशांत, इसका तेरा क्या है, काना। अच्छा ये काना, ओहो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक डे टू के पार्ट टू में। आगे हम पार्किंग में अब निकल रहे हैं, यहाँ पे मौसम का वेट कर रहे हैं, फिर निकलेंगे हम सीधा हमारी फाइनल डेस्टिनेशन जो सामने दिख रही है हमें, है हमारी फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ नीति विलेज वो। सो करते हैं मौसी का वेट, बस पहुँच ही गए मौसी यहाँ ऊपर पे, फिर निकलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा कार के अंदर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं नीति विलेज। ये है हमारे सामने नीति गांव। ये है यहाँ का लास्ट विलेज इंडिया का। जैसे बद्रीनाथ वाले साइड से माणा है, वैसे यहाँ से नीति है। तो नीति है लास्ट विलेज, जिसके आगे कोई विलेज नहीं है। इसके आगे सीधा बॉर्डर है इंडिया तिब्बत, इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर है। यहाँ से तिब्बत का बॉर्डर लगता है और जो माणा है, माणा से लगता है हमारा चाइना बॉर्डर। 20 किलोमीटर बाद है इंडिया तिब्बत का बॉर्डर। और यह है लास्ट विलेज नीति विलेज। सो नीति के लिए आगे से जो रोड है वो नीचे जा रही है, तो अभी हम नीचे जाएंगे। हमने कहा ऊपर से देख लेते हैं एक बार, फिर जाएंगे नीचे। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीति विलेज। सो यह नीति गांव एंट्रेंस यहाँ का, और ये है गांव जो नीति गांव है ऊपर। ये पूरा जो देखेंगे, बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ, HR दिल्ली वगैरह बहुत सारी जगह से। आखिर जगह इतनी सुंदर है तो क्यों नहीं आएंगे लोग। अरे आर्मी के ट्रक, सारे आर्मी के ट्रक हैं ये जा रहे। अभी पूछता है लोगों से, और मैंने पूछा भी, यहाँ ब्रह्म कमल भी होता है, बट बहुत ऊपर जाना पड़ता है यहाँ से। ये मेरे को लगा क्या पता इस एल्टीट्यूड पर ही होता होगा, बट यहाँ नहीं होता है, यहाँ से बहुत ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ होता है कि ब्रह्म कमल। और ये भाई लोग आ रखे हैं हमारे कहीं से, ये देखिए आप कितनी प्यारी जगह है ये। सो जो नॉन लोग हमको मिले थे वहाँ पे, कहाँ पे, वहाँ ट्रैक पे जब हम टेम्पल में जा रहे थे, सो मौसिन के जो नॉन थे उनका जो विलेज है वो यही है, उनका यही गांव है अपना। और वहाँ नीचे जो दूसरा टेम्पल था वो उनकी कुल देवी का टेम्पल था। सो अब यही लोग हमको ट्रैवल कराएंगे यहाँ पे। इनका घर है वो सामने, दादाजी यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, वो डोर उन्होंने अपना घर खोल दिया। तो थोड़ी देर यहाँ घूमेंगे, अब इन यही बताएंगे क्या क्या यहाँ अच्छा घूमने के लिए। चलते हैं ऊपर, यहाँ पे दादाजी हमको दे रहे हैं विलेज टूर, पर वो लगी अरे टूटेगा तो नहीं, बट वो बोल रहे ऊपर भी है तो ऊपर देखेंगे। चल नन्नू मत कर, वहाँ आजा आजा खाली, ये एकदम बढ़िया बना रखा है, बिल्कुल छज बढ़िया चाहिए यार। ये तो अभी का है, नया नया, तो ये तो नहीं टूटेगा, बट वहाँ जाने का लिए तो गांव अच्छा है। और मोस्टली सारे एजेड लोग हैं यहाँ, और बिल्कुल छोटे हैं, देखें जो छोटे हैं या एजेड। बाकी जो कॉलेज है, स्कूल वाले तो नहीं लग रहे, सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी तक के बच्चे तो हैं, क्योंकि नीचे प्राइमरी स्कूल भी है यहाँ। और ये है किसका, कौन से भगवान का, बगवाल बगवाल। अच्छा जो हर जगह है बगवाल देवता, वहाँ था कमसाली में भी थे, कमसाली में भी है, तनो देवता है वहाँ, पांडव है वहाँ। ये सबसे पुराना मकान है, 20-11-12 ये है यहाँ का सबसे भगवती। आगे देख लीजिए यहाँ मकान के। तो आपको ऊपर से दिखाता हूँ मैं थोड़ा, ये जो घर है, तो ये छज्जा बाहर बैठने के लिए, इधर उधर के साइड से दोनों तरफ, और ये अंदर रूम रहने के लिए। देख रहे हो अंदर से कितना बढ़िया है रहने के लिए, बिल्कुल ठंडा, कोई गर्मी नहीं, गर्मियों में गर्म नहीं, सर्दियों में ठंडा नहीं, बिल्कुल अच्छा वेदर रहता है ऐसे। और जैसे आप सुबह सुबह उठ के बाहर आओगे,
बाहर आते ही आपको सीधा मिलेगा ये व्यू। ऐसा व्यू देखोगे आप सुबह सुबह सामने, कितना ही प्यारा व्यू है। गांव का तो यही मज़ा था, यही मज़ा है। तो आफ्टर फोटो शूट आ गए हम दादाजी के घर। ये है किचन ग्राउंड फ्लोर। ओहो ये भी अच्छी जगह है यार ऊपर बैठने के लिए। ऊपर बैठिए। A few moments later. दोस्तों फाइनल निकल रहे हैं हम वापस नीचे के लिए। काफ़ी अच्छा था। तो यही था पूरे नीति गांव का टूर। उससे आपको मज़ा आया होगा। हाँ जो इन्होंने बताया कि जब पूजा होती है या कोई भी दिव्य कार्य होता है गांव में उस टाइम तो बहुत सारे मतलब गांव के सभी फैमिलीज वापस आ जाती हैं, फुल फैमिलीज। अभी कम लोग हैं बट काफ़ी हैं उस हिसाब से भी, जिस हिसाब से लोग जाते हैं अपने गांव के हिसाब से तो काफ़ी हैं। तो यही था हमारा नीति का ट्रिप। अब हम वापस जा रहे हैं नीचे। तो आप देख ही सकते हैं क्या ही बढ़िया लोकेशन थी यहाँ पूरे, और कितना अच्छा ही सुंदर सा गांव। लास्ट टाइम आपको दिखाता हूँ मैं पीछे से। तो दक्षु गाड़ी भी यहाँ पे पार्किंग आ रही है, देखिए ये है नीति विलेज। सब चलते हैं, हम बैठते हैं गाड़ी में, निकलते हैं वापस के लिए। रुको आ रहे हैं, आ रहे हैं चाचा, आ रहे हैं फिर खुल जाएंगे वहाँ पे। तो निकल चुके हैं हम अपने नीति से वापस गमसाली की ओर। हाँ, तो गमसाली जहाँ हमारा लंच होगा, लंच होगा जहाँ लंच के लिए हमको हमारा वेट कर रहा है बन के। तो चलते हैं, मैं फोन रख रहा हूँ अंदर क्योंकि मेरे उसमें अब चार्ज नहीं है। तो अब डायरेक्ट मैंने आपसे गमसाली उसने वहाँ पे जाते धूल देखी आप कितनी उड़ रही है, धूल ही धूल। ओ भाई साहब फ्री का पाउडर। A few moments later. So, दोस्तों पहुंच चुके हैं हम वापस घमसाली, यहीं पे हमारा लंच है आज। दोस्तों ये खाना हमारा राजमा चावल, राजमा चावल चावल आ रहे हैं राजमा यहाँ पे विद चटनी एंड प्याज एज अ सलाद, कॉम्प्लीमेंट्री सलाद हमको मिल रखा है। सो दोस्तों लंच करने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ बाहर पे। यहाँ पे हमने लंच किया था, यहाँ पे मैंने अब एक दरी थी उसको यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे थोड़ी देर लेटा रहूँगा मैं, थोड़ा मैं पसर जाऊँगा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। साथ ही मैं देख रहा हूँ आप इधर उधर क्या ही बढ़िया नज़ारा है। और हमारा ये वाला रूम हमने ले लिया है रेंट पे आज के लिए। बकरी तो दिखा दो, बकरी तो वहाँ है नीचे, बकरी नहीं भेड़ है वो, भेड़ भेड़ बस तो भेड़। और साथ में आज का जो हमारा प्लान है वो यहीं रुकने का है क्योंकि रूम हमने ले लिया तो प्लान यहीं रुकने का है। सो अभी तो थोड़ी देर के लिए हम यहीं पे पसरे रहेंगे। मौसी लोग अंदर सो रखे हैं, चाचा जा रखे हैं मतलब अभी आगे वापस, तो मैं तो यहीं पर रहूँगा बाहर ही पर लेटा हुआ एकदम मस्त। बस थोड़ा सा ये पहाड़ बोलो बादल हिल जाए तो धूप आ जाएगी फिर तो और अच्छा हो जाएगा यहाँ पर बैठने के लिए। और क्या ही मस्त नज़ारा है, और सामने का पहाड़ देखो मेरा पूरा खुला और इतना ऊंचा पहाड़, क्या ही मस्त है। सो लो थोड़ी सी धूप आ गई है क्योंकि बादल हटने लगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। One hour later. सो दोस्तों थोड़ी देर बाद हवा तो अब रुक गई है, वैसी हवा तो चल नहीं रही, वापस हल्की चल रही है बट वैसी नहीं चल रही है। और बैठे बैठे मौसिना का कुछ करने के लिए हो नहीं रहा, तो कुछ ना कुछ करना ही है। धूप आ गई सो हम जा रहे हैं कार थोड़ा पीछे करने क्योंकि कार की हालत हो गई है गंदी। हटो नहीं नहीं मेरे ऊपर नहीं है, कौन देगा वहाँ हाथ से भरता हुआ। सो दोस्तों मौसी कर रही है कपड़ा मार रही है, अरे हमने अभी अभी लगाया गत्ते का, मैं मार रहा हूँ पानी क्योंकि नीचे से भरने में टाइम लग रहा था। तो ऐसा इसके नीचे लगा दो जब तक वो भर रहा है तब तक यहाँ जाके थोड़ा चमक तो गई, वरना ऐसी थी हो रही है पूरी गाड़ी गंदी। अब थोड़ा चमक आ रहा, गाड़ी तो धोती हमने, वो तो निकलेंगे भी नहीं बिना शैम्पू इनके। देखो तो पहले से तो ठीक ही हो गई, गोरी से दोबारा काली तो हुई गाड़ी, वो मिट्टी लग लग के वाइट सी हो गई थी वो।
अब दोबारा वैसे जब पुराने कलर पे तो आ गई फूल, ये दो फूल और गया। और ये गांव भी अच्छा है नीति के उसमें, है ना गम, नाम तो नाम क्या है गमशाली। ये गांव भी अच्छा है उस हिसाब से। दोस्तों थोड़ा ऊपर आने के बाद मैं आ गया हूँ यहाँ पे एक चौक जैसा है, आप देख सकते हो कितना ही प्यारे घर रहे हैं। घर के वो देखो डिज़ाइन जरा, कितने ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन है इसका ही देख लो आप, क्या ही प्यारा डिज़ाइन का वो है ये घर का छज्जा बना रखा। और इधर मोस्टली वैसे ही, उधर का भी वैसे ही है मेरे को दिख रहा, मौसिन का तो पता नहीं। हम मैं अभी ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों मेरे को यहाँ पे कुछ दोस्त मिले हैं, क्या नाम क्या बताया? ये जया, जयदीप डांगला, जयदीप डांगला प्यार से इसको जया। तेरा नाम क्या है? दिशांत रावत। अब तेरे को क्या बोलते हैं? दिशांत ही बोलते हैं। तो ये दिशांत, इसका तेरा क्या है? कान्हा। अच्छा ये कान्हा, ओहो ये इस गाँव का कान्हा कृष्णा। सो हमारा टूर ये है जो टूर करेगा, क्या क्या है यहाँ गाइड हमारे घुमाएंगे हमको बता। अभी तो मैं मंदिर मंदिर होके आया पीछे, उसके अलावा दिखा और क्या है इधर के साइड घूमने के लिए? स्टेशन है और इधर और कुछ नहीं है, और है? क्या है किधर के साइड लेके चलो उस साइड, तो चल तो चलो चलो हम घुमाओ, घूमना ही तो है, घूमने के पर्पज से तो आए हैं तो घुमाओ तुम, तुम्हारा गाँव है जी में से। और देखो कितनी ही प्यारी जगह है अरे गाँव सच में। मौसी इन्होंने मिस कर दिया, वो आगे निकल गए पता नहीं। ये हमारे तीन नए दोस्त अच्छा हमको टूर दे रहे हैं। चलो 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 अच्छा ये ऊपर कल उस वाले मंदिर में पूजा होनी है। पूजा अच्छा कल मंदिर में पूजा है वहाँ? हाँ। कौन कर रहा है, कोई करा रहा है पूजा कि ऐसे ही कोई? अच्छा ये पांडव मंदिर, पांडवों का सामान है जो मैं बोल रहा हूँ, वो दूर जहाँ तो पूरा कैंपिंग करने के लिए वो सब। ऊपर वो पहाड़ में दिख रहा है? हाँ पत्थर पत्थर है उसके पीछे, रास्ता यही है वहाँ जाने का उधर से? अच्छा ये वाला रास्ता वहाँ नहीं जाता से, पर ये ना उधर से जाते कहाँ से उधर वाले रास्ते पे? ये दोनों रास्ते सेम में मिलते हैं, वो उसके लिए तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पे से भी एक शॉर्टकट है। और अच्छा लॉकडाउन अच्छा लगा था तुम्हें? थोड़ा बहुत की बहुत अच्छा, थोड़ा बहुत ही लगा था। तो अच्छा दोबारा होना चाहिए लॉकडाउन की नहीं होना चाहिए? हाँ पर नहीं, पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये बता। थोड़ा सा होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए? अच्छा चलो चलो ठीक है भाई। यार पानी तो बहुत है यार इस नदी में, बहुत ज़्यादा पानी है पता है, पानी तो बहुत ज़्यादा है यार दोस्तों सच में। अपनी मंदाकिनी में भी इतना पानी नहीं है जितना पानी इसी नदी में बस यहाँ पे। तो चलो नीचे चलो तब, कल के टाइम पे पूजा होती ना तो यहाँ बकरा कटता है। अच्छा अच्छा चलो चलो ठीक है, यहीं से जाएंगे हम नीचे, चलो तब इधर से चलो। और दोस्तों सच में इस नदी में कितना सारा पानी है, आते घुमाते मेरे को दूसरा रास्ते पे उसमें थोड़ा डेंजरस रास्ता मिला है। वो आराम से चलो है, उसको आराम से बोल सबसे, आराम से चल कृष्णा, हाथ बाहर निकाल, हाथ मत रख जेब में। यहाँ पे इतना गिरने के लिए तो बहुत ही गंदे रास्ते पे ले आए, मैं रोड पे पहुंच जाए जल्दी जल्दी आऊँ। एक तो ये नदी को देख के मेरे को सच में ऐसा हो रहा है कैसे आ रहा है इसमें इतना सारा पानी जस्ट ग्लेशियर से निकलते ही। चलो भाई पहुंच गए रोड पे, भले ये लोकल होंगे फिर भी डर तो लगता है ये छोटे बच्चों के साथ। अब यहाँ पे जाऊँ? चलो यहाँ पे से कितना दूर है वो रास्ता? ठीक है ठीक है ठीक है, चल दो अब वहीं पे मिलते हैं आपको, बाय बाय, भागना मत। चलो चलो दोस्तों ये भी चले गए, अब मैं भी जाता हूँ अब अंदर, मौसी लोग तो पहले ही चले गए अंदर सारे। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, मैं मस्त मेरे को वो मिले। फिर मैं नहा भी गई, पानी गर्म किया, नहा भी गई। कौन से मंदिर में? ऊपर है जो
कहाँ गया था वहाँ से? मैं तो कितना देर ढूंढा आपको, उसके बाद तब वो बच्चे मिले, उनके साथ घूमा मैं पूरा गाँव। सो दोस्तों अभी जस्ट मैं नहा के आ चुका हूँ बाहर और अब अंधेरा हो चुका है। वह है क्या लाइटनिंग आ रही है फेस पे, नेचुरल लाइटनिंग देख रहे हो दोस्तों, क्या सेक्सी लाइटनिंग आ रही है। अभी जस्ट नहा के बाहर आ रखा हूँ यार, नहाने के बाद तो ज़्यादा अच्छे से बाल सेट हो रखे हैं, ऐसे तो नॉर्मली नीचे भी नहीं होते हैं ऋषिकेश में, तो कोई नहीं अच्छी बात है। और बाकी मौसम बहुत सही हो गया, अब हवा नहीं चल रही, सबसे बेकार है कि हवा चल रही है तो वो बर्फीली हवा ना, उससे ठंड लग रही है, अदरवाइज़ पूरा मौसम सही है। और यहाँ जहाँ हम रुक रखे हैं वहाँ का जो खाने का, हमने बोला कि जल्दी बना दो, हमको खाना है, सोना है, कल निकलना है ना दूसरी जगह, तो उन्होंने बोला कि अभी जो खाना बनाते हैं वो तो अभी खेत से आए हैं, तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद बनाएंगे। सो 9:30 बज सकता है। सो मौसी ने बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप हमें को दे दो सब्जी, सब्जी जो भी है हम काट भी देंगे, बना भी देंगे और खा भी लेंगे। मतलब ये पता नहीं ऐसा क्या मौसी को थकान लग रही है। और अभी मौसी और चाचा बना रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ, इधर ये है मौसी, अंदर हमारे मास्टर शेफ, बगल में किचन, मास्टर शेफ चाचा क्या बना रहे चाचा? अच्छा लौकी, लौकी की सब्जी प्लस घी में, तो लौकी की सब्जी हम बना रहे हैं घी में, लौकी प्लस क्या दोस्तों, देखते हैं आज कैसा मिलता है हमको बना हुआ यहाँ पे। चाचा पे तो पूरा भरोसा है मुझे, घर का मसाला है, हम घर का मसाला बना के, चाचा पे तो पूरा भरोसा है, चाचा के हाथ का हमने खा भी रखा डलम का। मौसी का ये मौसी पता नहीं कुछ इन्वेंशन कर रही है यहाँ पे, मसाला खुद से बना रही है, इतने बड़ा वो सिलोटा भी ना, वो तो गोविंद आपको जरा बाहर का दिखा दो, बाहर का मौसम कैसा हो गया। ये है बाहर का, कल जाएंगे हम ऊपर वहाँ। सो मिलते हैं हम आपसे सीधा जब खाना तैयार हो जाएगा, खाना खाते टाइम। तो दोस्तों ये रहा हमारा डिनर, सब्जी और रोटी, बॉइल्ड एग, अब बॉइल्ड एग चाचा उधर पे छिल रहे हैं साथ में अपना वीडियो ट्रांसफर वाला भी सारा काम हो गया कंप्लीट। सो इसी नोट के साथ अपना करते हैं आज का वीडियो एंड रोटियां तो उनकी बना रही है ना, हम अपना बनाए वो दिखाएंगे। रुको रुको, दो दो 10 रोटी बोली ना, क्या 10 बोली है? हाँ उन्होंने कहा 10 बोली है, तो मैंने कहा ठीक है 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा। चलो बैठो बैठो बैठो, मेहरबानी कर दी उन्होंने ये एक्स्ट्रा देके। चलो बेटा लो ना, तुम बैठे क्यों, पापा को दो। चलो खाते हैं इसके बाद हम सो जाएंगे, ठीक है ओके देन भैया। सो इसी नोट के साथ करते हैं अपना आज के इस वीडियो का एंड, होप्स आप लोगों को मजा आया होगा। अब पीछे फुल मून है, एक बार ये देख लो, फुल मून, फुल मून। और भी जूम हो सकता है क्या, इतना जूम हो गया, चांद दिख नहीं रहा, नहीं हो रहा, कोई नहीं, हम इतने पे रह लेंगे। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को एंड, होप्स आप लोगों को मजा आया होगा इस वीडियो में। अब कल देखते हैं कल का क्या ट्रिप होता है, अभी खाते हैं। सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को तो नहाने के बाद ही नींद आने लग गई थी बहुत ज़्यादा, बट डिनर तो करना ही था। सो करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे आपको कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट, सायोनारा, बाय।